सीएम नायब सैनी ने रोहतक में भी चुनाव प्रचार किया और बीजेपी उम्मीदवार अरविंद शर्मा के पक्ष में वोट मांगे। सीएम ने कहा कि प्रदेश की सभी सीटों पर बीजेपी एक बार फिर से इतिहास रचने जा रही है। सीएम साहब, क्या प्रेडिक्शन है, किस तरह की तैयारी है और किस स्टेज पे है आज चुनाव? देखिए, चुनाव पीक के ऊपर है। हमारी 90 विधानसभाओं में से 14 तारीख तक हमारी 90 की 90 विधानसभाओं के कार्यक्रम हो जाएंगे और अब केंद्र के नेताओं के कार्यक्रम शुरू होंगे, आदरणीय अमित शाह जी के, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, आदरणीय हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी के, आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी के। हरियाणा प्रदेश के अंदर अब इन लास्ट दिनों के अंदर बड़े कार्यक्रम हमारे केंद्रीय नेताओं के हरियाणा प्रदेश के अंदर होने वाले हैं। जो जो ही उनकी डेटें आएंगी, कहाँ कहाँ कार्यक्रम होंगे, वो सारी की सारी रचना आप लोगों को बता दी जाएगी। प्रदेश में ऐसा बना है कि 10 की 10 लोकसभा की सीटें 11वीं करनाल का कमल का फूल खिल करके 11 कमल के फूल हरियाणा के अंदर खिलेंगे और मोदी जी को तीसरी बार हरियाणा के लोग प्रधानमंत्री बनाने में अपनी भूमिका अहम अदा करेंगे।